शिला प्रभु बात की जाए, ये हम लोग कईयों के कई डिवोटी से घर में जाते हैं और रहते भी हैं कॉन्ग्रीगेशंस के घर में, और एक चीज़ देखने को मिलती है कि उन लोगों की किचन जो होती है वो एक कॉमन किचन होती है, उसी में वो भगवान की कुकिंग करते हैं। वो तो अच्छे भगवान की कुकिंग, भगवान की किचन है, उसी किचन में अपने झूठे बर्तन भी धोते हैं। जनरली कई लोगों का तो एक ही सिंक होता है, उसी में झूठे बर्तन, उसी में भगवान के बर्तन। कई लोग दो सिंक कर लेते हैं, एक में झूठे बर्तन धोते हैं, एक में भगवान के बर्तन धोते हैं, वो किचन के अंदर ही। वो भी एक ऑफ कोर्स एक सिंक तो होना ही नहीं चाहिए भगवान के लिए और अपने झूठे बर्तन के लिए, वो तो एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। ट्रेडिशनली अगर आप गोपाल भट्ट परिवार में जाएंगे, शिला प्रभुपाद ने बोला था कि अगर आपको डीटी वर्शिप सीखनी है तो राधा रमन परिवार से सीखो आप, मतलब जो गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो परिवार है, क्योंकि उनके रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनफैक्ट जब भक्तिसान सरस्वती ठाकुर जब वृंदावन गए थे तो वहाँ पर जो गोपाल भट्ट परिवार वाले, उन्होंने भक्तिसान ठाकुर को इनवाइट किया था और बहुत अच्छे टर्म्स बनाए थे। अब भक्तिसान ठाकुर भी हाईली इम्प्रेस्ड थे उनकी डीटी वर्शिप से। आज भी उनकी डीटी वर्शिप जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत हाई हैं, इसलिए प्रभुपाद ने बोला था कि उनसे जाके स्टैंडर्ड सीखो। जब प्रभुपाद ने वृंदावन में टेम्पल खोला था और सारे फॉरनर्स थे, अगर आप ट्रेडिशनली देखोगे, वहाँ जाके देखो ट्रेडिशनली भगवान के किचन में तो क्वेश्चन ही नहीं है अपने झूठे बर्तन लाना, वो तो छोड़ दो। आप बाहर जो कपड़े पहन के आ रहे हो वो भी नहीं पहन सकते, किचन के कपड़े भी अलग होते हैं, और किचन में जाने से पहले नहा के वो कपड़े दूसरे चेंज करके फिर जाया जाता है, और जब आते हैं वो कपड़े उतार के वहीं टांगते हैं और फिर नहा के फिर दूसरे कपड़े पहनते हैं। ट्रेडिशनली तो ऐसे था, हमने भी देखा हुआ है। हमारी जो दादी थी, दादी की मतलब जो परदादी थी, मुझे याद है छोटे बचपन में हम लोग अपने गांव में, आगरा के पास गांव है वहाँ पे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि जो वो थी दादी, तो उनकी साड़ी लटकी रहती थी किचन में। आप क्या भी होता था, साड़ी लटकी रहती थी एक, तो वो नहा के वो साड़ी पहनती थी फिर अंदर जाती थी, और किचन में कोई आ ही नहीं सकता था। और फिर अगर मान लीजिए किचन में उनको कुछ सामान चाहिए तो लोग बाहर से फेंक देते थे, अंदर नहीं आ सकते जब तक ये कपड़े अलग हैं उसके, और फिर वो साफ वाफ करके फिर आते थे। सो ये ट्रेडिशनली तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है, क्योंकि भगवान की किचन है। कोई ऐसे कोई हम लोग मजाक तो कर नहीं रहे, मतलब अब मजाक करते हैं तभी तो लोग कहते हैं मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तभी बात आती है डॉल वर्शिप है, तभी लोग कहते हैं ये लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मूर्ति पूजा नहीं है, ये भगवान है। मूर्ति पूजा फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इन सारे वजह से ही मूर्ति पूजा बन जाती है, अर्च विग्रह पूजा। आप साउथ इंडिया जाओ, नॉर्थ इंडिया में तो किसी को पता नहीं, साउथ इंडिया जाओ, साउथ इंडिया में ट्रेडिशनल ब्राह्मण्स के पास जाओ, आप देखो हर ब्राह्मण जानता है बेसिक रूल्स, ये हर ब्राह्मण, क्वेश्चन ही नहीं है। वहाँ ब्राह्मणिकल फैमिली में लेडीज़ रोज़ बाल धोती हैं किचन में जाने के लिए। बाल धोना रोज़ बहुत मुश्किल है, नहीं इट्स नॉट ईजी, रोज़ धोती है, क्योंकि किचन में जा ही नहीं सकती बिना धोए बाल, रात को सो गए कंटामिनेट हो गए। सो वो एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है। अब मॉडर्न सिटीज़ में इतना स्ट्रिक्ट आप कर नहीं सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। सो बट ये है कि चलो जहाँ 100% है उसका 0% थोड़े ना कर देंगे हम, कि वहीं बना रहे हैं वहीं धो रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेकार है फिर। सो एटलीस्ट कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, अगर 100% है तो 50-30 तो हों, तो मिनिमल स्टैंडर्ड होना चाहिए कि किचन में हमारे झूठे बर्तन ना जाएं, वहाँ पे मत रखिए अपने झूठे बर्तन, एक अलग से जगह बनाइए। हाँ, अगर आपका घर बहुत छोटा है, एक फ्लैट है, जैसे बम्बई में लोग एक एक रूम में छोड़ दो दो रूम के फ्लैट में रहते हैं, वहाँ पे आप बर्तन तो अलग से रख सकते हो अपने कितने। अगर एक एक रूम के फ्लैट में रह रहे हो, दो रूम के फ्लैट में रह रहे हो, तो कितने जने रहेंगे, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे, उससे ज़्यादा तो रह नहीं सकते, जॉइंट फैमिली तो हो नहीं सकती। तो कहीं अपना किचन के बाहर अपना एक रैक बनाओ, उसमें अपने झूठे बर्तन रखो, किचन में मत लेके जाओ, और उसका शैंक अलग से बना लो बाहर कहीं धोने के लिए। छोटा सा शैंक लग जाता है, टेम्प्ररी लग जाता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल तो सब होता है, और जिनका बड़ा घर है उसमें तो पॉसिबल है ही। सो इसलिए ये एडवाइजेबल है। तो उससे क्या होता है आपका, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कॉन्शियसनेस रहेगी कि ये भगवान की किचन है। सो भगवान की किचन के, दूसरी बात है, भगवान की किचन के बर्तन जब हम जब बाहर लाते हैं हम दूसरों को देने के लिए, तो भगवान की किचन के बर्तन ना आए बाहर,
बाहर आने के लिए अलग से बर्तन होते हैं, जिसमें कुकिंग कर रहे हो वो बाहर नहीं आ सकते बर्तन। जैसे भिगौने में आप कुकिंग कर रहे हो तो वही भिगौना बाहर ला के उसी से सर्व नहीं कर सकते आप। सर्विंग वेसल्स अलग होते हैं, तो किचन में सर्विंग वेसल्स अलग हों। जैसे कॉमन लोग भी करते हैं, जैसे लोगों के पास क्रॉकरी होती हैं उसमें देते हैं गेस्ट्स को, कोई भिगौना थोड़ा ना ले आते। अब इंडिया में वही भिगौना बनाया वही लिया, कुकर बनाया कुकर ही लिया है लोग भाई उसी में से। ये सब तो भारत में फालतू के अनसिविलाइज लोगों का चलता है, वो ये तो असभ्य लोग करते हैं। अब तो हम भगवान के भक्त हैं, तो सभ्यता से भी ऊपर हैं हम लोग। सो कुकिंग वेसल्स अलग रहें, सर्विंग वेसल्स अलग रहें। भगवान के भी दो वेसल्स होते हैं, कुकिंग वेसल्स सर्विंग वेसल्स, और सर्विंग वेसल्स बाहर आएँ और उससे लोगों को सर्व हो। आपके खाने के वेसल्स बर्तन अलग हों और वो सर्विंग वेसल्स अंदर जाएँ, वो फिर धुलें। अगर आप कर सकते हो तो सर्विंग वेसल्स के धोने का अलग शैंक हो, कुकिंग वेसल्स के धोने का अलग शैंक हो पॉसिबल है तो, अदरवाइज़ एक ही भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना तो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए। और जो धोने, अगर आपके धोने का, इसमें एक और है, अगर हमारे धोने के बर्तनों का शैंक किचन के बाहर होता है तो उसका साबुन और उसका वो स्क्रबर भी अलग होता है, अंदर साबुन और वो स्क्रबर अलग रहेगा। सो इस तरह से किया जाता है। तो आई होप आप लोग इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि मंदिर तो हर जगह, हर घर में तो मंदिर होगा ही होगा, उसके बिना तो डिवोटी की लाइफ ही क्या है। तो अगर भगवान, अगर आप उसको भगवान मांगते हैं, सिर्फ पिक्चर नहीं है, तो एटलीस्ट भगवान की तरह हम ट्रीट करें। और कुकिंग एक तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यज्ञ शिष्टनाशिनाजंतो मुच्यन्ते सर्व के लिए विषय, गीता में लिखा है। भगवान आपकी भावनाएं स्वीकार करते हैं, भगवान ये स्वीकार नहीं करते कि आप उनको खाना खिला रहे हो। खाना तो भगवान के पास पहले ही बहुत है, उस इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई कमी थोड़ी ना है, बल्कि और श्रेष्ठ है। सो ये सब करने से क्या होगा, आप कहोगे ये सब क्या कर रहे हो, धकिया न उसी, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ये वो, ये भावना है भक्त की। इससे भगवान को भावना व्यक्त की जाती है कि भगवान हम ऐसे, आप परम शुद्ध हैं, आपके लिए परम शुद्ध अन्न होना चाहिए। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।